आ जा तू भाई, पता नहीं कैसे चलते हैं भाई बंदे, मतलब पता नहीं क्या ड्राइविंग सेंस है। तो भाई गाड़ी वहां पर है और रोड की कंडीशन कुछ ऐसी है, मतलब बहुत ज्यादा ही खराब है, हो गया यार रोड बर्फ की वजह से। तो अब सोच रहे कि क्या करें, ऊपर तो जानी नहीं अब गाड़ी, अब यहाँ से बच भी गया 8 किलोमीटर, ट्रैक में नहीं कर सकते, हमने कुछ दिखाया भी नहीं है, अब तो फिर वापसी जाना पड़ सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों ब्रो? अब यार गाड़ी भी क्या ही बोले ना, अब गाड़ी भी पूरी जान लगा रही है पर चढ़ नहीं पा रही अब, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे काफी है यार स्नो, कभी स्नो नहीं होगी ना तब आना पड़ता है। क्यों ये हमने कोशिश तो करी, क्यों भाई बार नहीं सही तो अगली बार ही सही। पहाड़ देख सकते हैं आप पार, क्या ही मस्त लग रहे हैं, बस वहीं जाना था हमने पार, पर इस बर्फ में सारा काम खराब हो गया। तो भाई अगर आपको आना होगा तो आप छोटी गाड़ी तो लेकर मत आना यार, चाहे बर्फ हो चाहे ना हो, क्योंकि गाड़ी की लग जाएगी बड़े पूरे तरीके से, हाँ पूरा ही ऑफ रोड है क्योंकि है। बाकी तो अभी चलते हैं निचली तरफ चिड़गांव की तरफ, वहां करते चिल चुल फिर चलेंगे अपने शिमला शहर। क्यों ब्रो? शिमला जाके फायदा और एफर्ट तो पूरा हमारा, एफर्ट की तो हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने लास्ट मोमेंट तक प्लान बनाया कि हमने भाई जाना है तो जाना है, और अब भाई अब ज्यादा जिद भी फिर क्या ही कर रहे हैं, जबरदस्ती कब तक ही, चलो कोई नहीं अगली बार दिखा देंगे आपको। बाकी रोड देखो आप, रोड ऐसा कुछ शानदार व्यू है, वहां आप पहाड़ देख सकते हो ऊपर कितने ही सही लग रहे हैं यार। बाकी ऑफ रोडिंग ढंग से ही होगी गाड़ी की, तो वहां से आए हम ऊपर से गाइस नीचे जब आप हारे थे तो भाई इतना सही व्यू मिला, रुकने पे मजबूर हो गए हम, यहाँ गाड़ी है व्यू देखो। ऑफ रोडिंग का अपना मजा है, क्यों सुबह सुबह 5 बजे ऑफ रोडिंग तो किया हमने कभी, करनी पड़ती है ना घर घर में है। चिड़गांव रह गया है 20 किलोमीटर दिखा, 22 किलोमीटर दिखा, समझ नहीं आ रहा, 20+ ही है। हाँ और 20+ किलोमीटर के लिए तारा है कोई 1 घंटा 8 मिनट, भाई साहब आपको हिसाब लगा ही सकते आप रोड का। बाकी चलते तो रहे, चल तो रही अब 20 की स्पीड, देखते हैं अब शिमला कितने बजे पहुंचते हैं, ये है अब हमारा टारगेट। वी आर अब अबव 4000 मीटर, तो जिसने सेब के बगीचे नहीं देखे वो सेब के बगीचे देख सकता है, हमारे ब्लॉग में सब कुछ दिखेगा आपको।
फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं कि खाते थोड़ा बहुत, फिर चलते आगे की तरफ। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया हमारा सही, परांठा वगैरह, अब चलते हैं शिमला की ओर। अभी आगे हाथ टूट जाएंगे हम, यहाँ गड्डी मुड़ रही है। लटा दो इसको। That the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. है यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस बस स्टैंड है, कभी आपको अंदर से घुमाएंगे कभी। तो भाई हमने सोचा थोड़ा गाड़ी धो लिया जाए, तो हम अभी गाड़ी धो रहे हैं यहाँ पर। शीशा बंद कर दिया। अभी यहाँ पिकअप भी धुल रही है, अब इसके बाद इसका नंबर आएगा, बढ़िया एकदम चमचमा देंगे इसको। और भाई रोड तो इतने सही है ना यार, यहाँ पर तो भाई ऊपर तो थे ना खराब, पर यहाँ तो काफी सही है NH। भाई गाड़ी हमने बढ़िया धो दी है यहाँ पे, बिल्कुल लश्कारे मार रही है जिसको बोलते हैं। ओह खुद भी गिल्ले हो गए थोड़े बहुत। ट्रिप का मजा तो भाई ये है, जो आप ले भी गए उसको साफ भी करो। क्यों भाई साफ करनी तो बनती गाड़ी, क्यों पूरी ऑफ रोडिंग थी आपने जैसे देखा ही, अब साफ करनी तो बनती है। चलिए तब है। तो भाई ये पहुंचे हम यहाँ पर, हाटकोटी मंदिर पहुंच गए हैं। भाई बड़ा ही सही है यार ये देखो आप। तो गाइस मंदिर तो बंद है, मंदिर तो होने ही थे बंद, जब सारी जगह बंद है मंदिर, पर हम बाहर का तो घूम ही सकते यार। पर ऐसे है, एक बार मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर, पर उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं करता था, उस टाइम में आया था घर वालों के साथ, सब थे उस टाइम तो। इसके अंदर है मंदिर, पूरा बंदे कर रखे है। यहाँ पर तो चल रहा है ऐसे, ट्रीज वगैरह हैं यहाँ देख सकते आप। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर फोटो शूट भी हो रहा है। थोड़ा रुके थे यहाँ पर, कहाँ जैसे हम रुके हुए खड़ा पत्थर से थोड़ा आगे, नहीं पीछे खड़ा पत्थर थोड़ा सा पीछे है, हम यहाँ से आगे से गिरी गंगा को जाते हैं वहाँ ऊपर। आप वैली देख सकते हो भाई, कितने सिमेट्रिकल पेड़ लगे हुए वहाँ ऊपर, मतलब ऐसा लग रहा है कि लगा के किए लोगों ने, इतना सही व्यू है यार। नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। कमेंट में लिखना आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी और ट्रिप तो चलती रहेगी, और अभी हम जा रहे हैं खड़ा पत्थर की तरफ, फिर उसके आगे और जाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। चिल मोड चल रहा है ऑन। तो भाई मतलब यहाँ पर ऐसी फील आती है जैसे आप रामपुर से जब नारकंडा के लिए आते ना, और जैसे हाटकोटी से आप खड़ा पत्थर के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सेम फीलिंग है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल रास्ता भी सेम, मोड भी सेम, व्यू भी सेम, पेड़ भी सेम, मतलब लगेगा ही नहीं आपको ऐसा। और भाई खड़ा पत्थर में ऐसी फील आती है जैसे नारकंडा पहुंची। पर नारकंडा में सारी ठंड बहुत होती है, खड़ा पत्थर में इतनी नहीं है, आजकल तो है नहीं इतनी। तो
गाइस जो ये आपको ये रास्ता दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला रास्ता ये जाता है गिरी गंगा के लिए। रोड का मेरे को पता नहीं, जब मैं पहले गया था तब तो बहुत बुरी हालत थी, आप पता नहीं कैसा हुआ होगा रोड, तो जाके पता लगेगा। हम जा नहीं रहे क्योंकि भाई भी गया वहाँ हमारा और मैं भी गया वहाँ, मैं गया यार और हमारे को शिमला जल्दी पहुँचना है तो इस वजह से। सो वी रीच्ड खड़ा पत्थर HRTC रॉक्स। अब देखो भाई पूरे वहां पूरे जितने व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, आपको लग रहा होगा स्नो है, पर स्नो नहीं है, नेट्स है बिल्कुल लगाई हुई। कौन सी जगह भाई ये? गोट खाई है शायद। क्या दिस गोट खाई? वहां पे गोट खाई। पहुंच गया फाइनली, काफी इतना टाइम रखा था 12 बजने तक का, उससे पहले हम पहुंच ही गए यहाँ पर 12 बजने को, 5 मिनट हमने 12 बजे ठेक पहुंच ही जाना है और जैसे कि हम पहुंच ही गए। बाकी अभी पार्किंग ढूंढ रहे हैं कहाँ लगाए गाड़ी, उसके बाद चलते घूमते हैं। तो भाई अभी हमने लंच किया है, अभी हम एक फ्रेंड के रूम में गए हुए थे तो, और अब जा रहे हैं यार, बड़ी चढ़ाई है यहाँ पे यार, और मौसम तो काफ़ी साफ है। अब जा रहे हैं गाड़ी के पास, गाड़ी भी बहुत दूर पार्क की है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि हम किसके पास गए थे तो स्टे ट्यून्ड, अगले ब्लॉग्स देखते रहना तभी आपको पता, थोड़ा सस्पेंस खेलते हैं। क्या लिखा है इसमें? माना शहरों में दिल बन बहलाने के तरीके हजार है, पर हमारे को तो पहाड़ों की वादियों से प्यार है। वाह 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 भाई, मतलब ऊपर ही आ जा तू भाई, पता नहीं कैसे चलते भाई बंदे, मतलब भाई उनको लेन दे रखी इस साइड, वहाँ चलो भाई पूरी आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब पता नहीं क्या ड्राइविंग सेंस है यार, ऊपर जाने का नाम नहीं, तब भी इधर ही चलेंगे, तब भी हॉर्न मारो लाइट है मारो कोई फर्क नहीं। बाकी यार चांचल का तो चलो जो भी था, गए नहीं जा नहीं पाए, पर अगली बारी क्यों जरूर जाएंगे, क्यों ब्रो? बिल्कुल जाएंगे। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट ट्रिप बनाएंगे, क्यों? ठीक है फिर जाओ तब, बाय बाय मरुति। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच ही गए, बस थोड़ा सा रह गए हैं। तो भाई मतलब ट्रिप तो था ना मतलब ऑसम बिल्कुल, बाकी थोड़ी मोटी छोटी मोटी चुनौतियां तो आती रहती है यार, क्या करें अब तो हैंडल करनी पड़ती है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए जाएंगे, आपको क्या जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्या उस टाइम तक क्या पता मेरे पास DSLR आ जाए, फिर आपको और बढ़िया शॉट्स दिखते, अब वहां पर मैं फोन से क्या ही कर लेता, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी आई होप आप सबको ये जितने भी मैंने व्लॉग डाले आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबा देना यार, कई बंदे बोलते कि नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मेक श्योर आपने बेल नोटिफिकेशन दबाई हो तभी आपको पता चलेगा। और बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।